Welcome students, so welcome to our next lecture that is related to set theory. अपने पहले लेक्चर में हम लोगों ने किया था set theory होती क्या है. It is an unordered collection of object, right? फिर हमने देखा था कि जैसे कि ये A है, B set है, और जो set होता है वो unordered collection होता है, right? Then we have seen representation of set, statement form, roster form, set builder form. Apart from that, we have seen the relevant concept regarding set ki equal sets kaun se hote hain, subset kya hota hai, size of set means cardinality of set kya hota hai, power set, union kya hota hai, intersection, disjoint. To ye sab cheeze hum first lecture mein cover kar chuke the. Agar aapne first lecture nahi dekha hai to you just go to the playlist and have that one. After that we will be starting our next class, that's lecture number second, that is based on some important concept. Ye hamara lecture hai, lecture number second. Ye aapka lecture hai second, right? To aaj hum isme cover karne wale hain the important concept that are relevant to set theory. What is set difference? What is set difference? A set difference is basically that is denoted by, like, we can have when we write a minus b. Agar hum a minus b likhte hain, so it means we are creating a difference between a set and a b set. So set difference means a minus b means कोई भी सेट कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए बट नॉट इन बी. ए माइनस बी मीन्स कंटेनिंग ओनली सेट ए. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ दो सेट है ए और बी. अगर मुझे करना है ए माइनस बी तो इट मीन्स ओनली आई एम सीइंग ओनली आई वॉन्ट ए सेट एलिमेंट्स, ए सेट एलिमेंट्स. सेट डिफरेंस मीन्स दोनों सेट के बीच में डिफरेंस हमें करना है सेट ए और सेट बी में. जब हम ए सेट में से बी सेट को घटाएंगे तो हमें मिलेगा ओनली ए सेट, ओनली सेट ए. जस्ट डू इट. यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, कोई नहीं, हम इसको मिटा देंगे इससे. तो यहाँ पर हम जब a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी, तो देखिए a माइनस बी, हम a में से b माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2, 4, 6 है, यहाँ पे 5, 6, 2 है. तो a सेट में ऐसा कौन सा जो b सेट में नहीं है, मतलब a माइनस बी थी ओनली a, जो ओनली a में ही हो. देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है. अगर हम a माइनस बी करेंगे तो ये हमारे पास ओनली निकल के आएगा 4. अब ये आप एग्जांपल ट्राई कर सकते हो. तो देख लेते हैं यहाँ पे a माइनस बी आपका सेट जब करोगे सेट डिफरेंस तो क्या आएगा. 2 यहाँ है, यहाँ पे भी है, 3, 3 है, 7 नहीं है, 10, 10 नहीं है, 15 नहीं है, ये आपका 4 है, ठीक. तो मेरे पास में क्या आएगा, इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग ए सेट फ्रॉम बी सेट सो आई विल बी रिमेनिंग 7, 10, 15 एंड 4. इट मीन्स ओनली सेट ए. ए माइनस बी मीन्स सेट का डिफरेंस, सेट डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. सो दिस इज इट. तो कॉम्प्लीमेंट सेट्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट. कॉम्प्लीमेंट सेट मीन्स जैसे कि मैं कहूँ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा. सेट डिफरेंस मीन्स ए के एलिमेंट को छोड़ के, ए के एलिमेंट को छोड़ के. इफ आई एम सेइंग व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फ्रॉम ए एंड सेट ए एंड बी सेट, तो ए के कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के सारे कॉम्प्लीमेंट को आप छोड़ दो. तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा ए, 2 इधर है, 2 इधर भी है,
एंड थ्री इधर भी है, इधर भी है, फोर नहीं है और सिक्स नहीं है। तो अब मैं देखूंगा ओनली बी सेट में, क्योंकि मुझे चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट, जो हमें तो ए के लेने ही नहीं है, ए के लेने ही नहीं है। तो मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5 0 7 10। तो ये मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट है फ्रॉम फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी। अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन हैव एग्जाम्पल, अनोदर एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ए सेट है, ए सेट आपको दे रखा है 2 3 3 9 10, एंड अनदर सेट बी इज गिवन 7 5 3 10 2। सो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो हम बी में देखेंगे, सेट बी में, सेट बी में 7 है 5 है 3, इसमें भी है, फिर 10 है और 2 देखेंगे, इसमें भी 2 है। तो हमारे पास में ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 7 5 10, 7 5 10। ओके, सो हम एडिशन सब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं सेट्स में? सेट्स में एडिशन सब्स्ट्रैक्शन करने के लिए हमें सेट पता होना चाहिए, सेट ए और सेट बी। हमें सिंपली जैसे हम एडिशन करते आ रहे हैं वैसे वैसे ही इनका एडिशन हो जाएगा। मान लेते हैं एडिशन के लिए वे यूज ए यूनियन बी, ए यूनियन मीन्स ए यूनियन बी, मतलब सेट ए प्लस सेट बी, सेट बी, इन दोनों को आपको क्या करना, ऐड करना है। तो वी डिनोट इट एज ए यूनियन बी। जैसे कि हम इसको डिनोट कर सकते हैं एन ए कार्डिनलिटी ऑफ एन ए सेट, कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट माइनस कॉमन एलिमेंट्स। लाइक कि मैं इसी का ही एग्जांपल लूं, इसमें मान लेते हैं 2 3 9 10, 2 3 9 10, ये तो हो गया ए। देन बी का आपके क्या है, बी का है 7 5 3 10 2। माइनस माइनस क्या कर दो, जो कॉमन है 2 है 3 है, 2 और 3 को आप इसमें से हटा दो, तो आपके पास में ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास में 9 10 7 5 3। क्या आ जाएगा, 9। तो ये मेरे पास में आ जाएगा, अगर हम इनमें से देखें दोनों में से, सेट ए और सेट बी में से, तो कॉमन को अपन को लेना नहीं है, अपन को लेना है क्या, 9 10 7 5 3। तो ये आपका ए यूनियन बी। सिमिलरली ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपका सब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्स्ट्रक्शन। सब्स्ट्रैक्शन जैसे कि आप कर रहे थे ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट। वी कैन राइट इट एज ए इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट, मीन्स बी को छोड़ के, बी के छोड़ के ए को लेना आपने। अपन तो हम इसमें ऐसे भी कह सकते हैं ए माइनस बी इक्वल्स टू ओनली एज एलिमेंट, इनली एज एलिमेंट। सिमिलरली दैट वी हैव डन हियर, दैट सेट डिफरेंस। देन वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग सेट ए मल्टीप्लाइंग सेट ए एंड बी। When we multiply set A into B, it doesn't mean B multiply by A.
ये आप इस चीज को नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आप ए सेट को मल्टीप्लाई करते हो बी सेट से, राइट, तो वो ऐसा नहीं होगा कि बी को आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर होंगे। नहीं, ए मल्टीप्लाई बी डज नॉट इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, राइट, एज दीज आर नॉट सेम। लाइक अब हम इसको जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक ये सेट है, एक ये सेट है, दो सेट्स हैं मेरे पास में। तो दो सेट्स हैं तो मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा वन से, ए को मल्टीप्लाई करूंगा वन से, तो मेरे पास सेट क्या आ जाएगा, ए वन, ए टू, ए थ्री। फिर ऐसे ही मेरे पास में क्या आ जाएगा सेट, बी वन, बी टू एंड बी थ्री। ये मेरे पास क्या है, दीज आर दी प्रोडक्ट, दीज आर दी प्रोडक्ट। सो वी कैन सिंपली नो द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कार्डिनलिटी मीन्स साइज ऑफ एलिमेंट्स, साइज ऑफ एलिमेंट्स। साइज ऑफ एलिमेंट करने के लिए टू मल्टीप्लाई बाई थ्री करो, तो बिकॉज देर आर टू एलिमेंट्स इन ए सेट, थ्री एलिमेंट्स इन बी सेट, सो वी डू हैव ओनली सिक्स एलिमेंट। वी विल हैविंग सिक्स एलिमेंट व्हेन वी मल्टीप्लाई ए सेट इनटू बी सेट, सिक्स एलिमेंट्स। ओके, नाउ कमिंग टू सम टाइप्स ऑफ सेट्स, कि भाई टाइप ऑफ सेट कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं सेट के। वी डू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स लाइक फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एक तो यही ले लो, फाइनाइट सेट में क्या होगा, इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। मीन्स व्हेन वी हैविंग एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दी वन टू थ्री एंड गोज टू एन, गोज टू एन, एन इज द फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर, जब ये एन तक जाएगा तो वी डू हैव अ फाइनाइट सेट। अगर हमारे एलिमेंट्स इस तरह से जाते हैं डॉट 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 डॉट, तो इट मीन्स देयर इज अ इन्फिनिटी, देयर इज अ इन्फिनिटी इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ये आपके दो हो गए। देन वी हैव एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट मीन्स होता है जब किसी भी सेट के अंदर में कोई एलिमेंट ना हो, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट। व्हेन देर इज नो एलिमेंट इन द सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। क्या होता है, एम्प्टी सेट। और मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूं, कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, वन होगी, क्योंकि सेट जो एम्प्टी होता है उसका मतलब होता है फाई। क्या होता है, फाई। तो जीरो एलिमेंट है, कार्डिनलिटी इसकी क्या होगी, कार्डिनलिटी इसकी होगी वन। क्या होगी, वन, बट देर इज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट की जगह एम्प्टी सेट को हम डिफाइन करने के लिए वी हैव फाई। ये क्या है, फाई, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कार्डिनलिटी क्या होती है एम्प्टी सेट की, एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी होती है वन। क्या होती है भाई, वन होती है। ओके, अब आप बताइए सिंगल टन सेट क्या होता है, सिंगल टन सेट। तो सिंगल टन सेट क्या होता है, सिंगल टन सेट मीन्स होता है जब सेट के अंदर ओनली सिंगल एलिमेंट हो। क्या हो, सिंगल एलिमेंट, सिंगल, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन, ये ध्यान रखना, ओनली वन एलिमेंट।
जहाँ ओनली वन एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे क्या, हम इसको कहेंगे सिंगलटन सेट। अब वो वन एलिमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, आपका वन भी हो सकता है, आपका टू भी हो सकता है, एनी नंबर। जीरो भी क्या है, एक एलिमेंट है, ये ध्यान रखना, एलिमेंट सिंगलटन सेट। ओके नाउ, अब हमने फर्स्ट क्लास में एक पढ़ा था इक्वल सेट, वो भी एक टाइप है, और एक ये अब हम नया पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? भाई बेटा इन दोनों में डिफरेंस ये है, क्योंकि तो जब हम इक्वल सेट पढ़ रहे थे, इक्वल सेट में क्या है कि जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, एलिमेंट शुड बी सेम, शुड बी सेम, सेम होने चाहिए, सेम हू बहू। जैसे कि यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, ए में मैं एलिमेंट ले लेता हूँ जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो मेरे पास बी एलिमेंट होगा, बी एलिमेंट मान लेता हूँ मैं 8, 4, 2, 6, चार ही एलिमेंट है और चारों के चारों सेम है, चारों के चारों सेम है, तो यहाँ पे ये इक्वल सेट है। क्या है? इक्वल सेट है। इक्वल सेट के लिए कंडीशन क्या है कि आपके जो एलिमेंट हैं वो होने चाहिए सेम। क्या होने चाहिए? सेम। जब सेम एलिमेंट होंगे तो कार्डिनलिटी भी क्या होगी? सेम होगी, कार्डिनलिटी भी इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी, ये ध्यान रखना। एलिमेंट सेम है और कार्डिनलिटी इक्वल है तो क्या होगा? इक्वल सेट। क्या होगा? इक्वल सेट। अगर इफ ये कार्डिनलिटी हो, कार्डिनलिटी, इफ कार्डिनलिटी इज इक्वल देन तब आपको पता चलेगा कि भाई ये जो सेट है ये होगा इक्विवेलेंट सेट। क्या होगा भाई? क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। ओके देन हम पावर सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास आता है एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट। चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मींस ये आपका बना हुआ है यूनिवर्स से। किससे? यूनिवर्स। और यूनिवर्स में आपकी सारी चीजें क्या होती है, आती हैं, इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग, इंक्लूड ईच एंड एवरी एवरी एलिमेंट। जब ईच एंड एवरी एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा है, ऐसा सेट जो हर एक एलिमेंट को इंक्लूड करे उसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। मतलब इट कंटेन ऑल दी सेट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय यू। किससे डिनोट करते हैं? बाय यू, यू से डिनोट करते हैं हम। किससे? यू से। ओके नाउ ये हम थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेट पढ़े हैं हमने यहाँ पे कि सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस मीन्स होता है कि सेट ए और कोई भी दो सेट है उनका डिफरेंस, लाइक यहाँ पे ए और बी सेट है, ए माइनस बी, तो मतलब हम कह रहे हैं कि ओनली ए में से मतलब बी को घटा दो, ए में से बी को घटा दो, ए ये सेट है इसमें से बी को घटाया, बी में देखें हमने कॉमन एलिमेंट 2 और 6 घटा दिए तो ए में बचा ओनली 4, तो इट मीन्स क्या होता है, ओनली ओनली ए, सेट डिफरेंस मीन्स ओनली ए, और इसका मतलब होता है सबस्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या हो रहा है? सबस्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स हो रहा है। ठीक है, देन वी स्टडी अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स उसको छोड़ के, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको छोड़ के, लाइक हम यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं सेट ए, सो सेट ए को छोड़ के जितने एलिमेंट सेट ए में है उन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ये दो सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो अब ए के जितने भी एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं होने चाहिए, ठीक है, उन एलिमेंट्स को छोड़ दो तो वही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएगा। एडिशन,
एडिशन के लिए ये है कि आपके पास में क्या होगा, ए यूनियन बी। यूनियन क्या होता है, एडिशन। ये क्या है, यूनियन का साइन है बेटा, ये क्या है, यूनियन। ए यूनियन यूनियन बी। और ये हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर और भी अगर इस चीज में डाउट है तो यू कैन वॉच आर फर्स्ट क्लास फ्रॉम द प्लेलिस्ट। देन वी हैव स्टडीड अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट्स। देन वी स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्विवेलेंट इक्विल सेट्स एंड देन यूनिवर्सल सेट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट क्या पढ़ रहे हैं हम, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट। लेट्स रेडी प्रॉपर्टीज बहुत ऑफ यूनियन सेट। ओके नाउ क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, पहली हमारी क्या है, क्यूम्युलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप यूनियन करते हो, मींस ऐड करते हो सेट्स का, फॉलोज अ क्यूमुलेटिव लॉ, क्यूमुटेटिव लॉ, क्यूमुटेटिव लॉ, सॉरी इट्स अ क्यूमुटेटिव। अगर हम कोई भी सेट है, जैसे कि ए सेट है, सेट ए एंड सेट बी एंड सेट सी, अगर इनको हम क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, ठीक है, तो ये फॉलो करेंगे क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी मींस, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी मींस अगर आप ए यूनियन बी कर लो, ए इक्वल्स टू होगा बी यूनियन ए, इन दोनों का क्या है, सेम, मींस दे विल फॉलो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। ओके ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी आपकी कब होती है, टू सेट्स में, जब टू सेट्स को आप यूनियन करते हो। इफ देर आर थ्री सेट्स देन यू यूनियन, देन थ्री सेट्स यूनियन, देन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये आपकी क्या हो जाएगी, ये दूसरी आपकी प्रॉपर्टी है यूनियन सेट। क्या हम थी प्रॉपर्टी, देन वी डू हैव थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ। उससे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप देख लो, ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इक्वल होगी, आप इसको इक्वल कर सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या है, चाहे आप इसको इधर कर लो, चाहे आप इसको इधर कर लो, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके नाउ कमिंग टू द आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ मीन्स ये होता है कि जब आप किसी भी सेट को, सेट एनी सेट यूनियन टू फाइव, अगर फाइव के साथ में तो रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम, मीन्स ए यूनियन फाइव इक्वल्स टू ए, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। अगर
ए को यूनियन करा जाए, ए के साथ में इक्वल्स टू ए ही आएगा, दिस इज नोन एज इडीपोटेंट लॉ। इडीपोटेंट लॉ ये आपका है चौथी प्रॉपर्टी। देन अगर आप सेट को, ए एक कोई सेट है, उसको यूनियन करते हैं यूनिवर्सल सेट से, ये कहाँ है यूनिवर्सल सेट, ये यूनियन का साइन है और ये है यूनिवर्सल, तो ये आपका आएगा यूनिवर्सल। ये क्या है यूनिवर्सल, मीन्स क्या है कि छोटे को बड़े के साथ में यूनियन करो तो मतलब जब आप यूनियन करोगे तो बड़ा ही आएगा, मीन्स इतना बड़ा सर्किल है अगर इसको यूनियन करते हो आप इतने बड़े सर्किल से तो इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा ही सर्किल, थोड़ा बड़ा सर्किल के अंदर में छोटा सर्किल आता है, दिस इज नोन एज डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन, डोमिनेट कर दिया ना इसको, क्या कर दिया डोमिनेशन लॉ। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट। अगर इसमें कोई डाउट हो देन यू कैन कमेंट, आई विल बी सीइंग योर कमेंट, थैंक यू सो मच। और ये बज गए हैं रात के 12, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।